हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटीना। आज जो सेकंड पार्ट है सेवंथ लेक्चर का, पहले पार्ट में हमने माउथ पार्ट्स के टाइप्स और जो मॉडिफिकेशन है हेड के उनके बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ एंटीना के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंटीना के टाइप्स पढ़ने से पहले हम एंटीना के बारे में पढ़ लेते हैं। इंसेक्ट के हेड में वन पेयर ऑफ एंटीना होता है, यानी कि दो एंटीनी इंसेक्ट के हेड में होते हैं, एक्सेप्ट प्रोटीरेंस। जो प्रोटीरेंस होते हैं उनमें एंटीनी अब्सेंट होता है। एंटीनी में थ्री सेगमेंट्स होते हैं। बेसल सेगमेंट को स्केप बोलते हैं। इसके बाद में जो बीच वाला सेगमेंट होता है, सेकेंड जो सेगमेंट होता है उसे पेडिसिल बोलते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम फ्लेजिलम बोलते हैं। स्केप जो है वो हेड वॉल में एक मेम्ब्रेनस रीजन होता है, वहां पर इंसर्टेड रहता है और मार्जिनल पॉइंट से सराउंडेड रहता है, जिसे एंटीनिफर बोलते हैं। ये जो मार्जिनल पॉइंट होता है जिससे एंटीनी सराउंडेड रहता है उसे एंटीनिफर बोलते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट में जो पेडिसिल होता है उस पर एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे जोहानसन ऑर्गन बोलते हैं, ये पेडिसिल पर पाया जाता है। यह है एंटीना। इसमें ये फर्स्ट जो बेसल सेगमेंट है यह है स्केप। इसके बाद ये सेकेंड सेगमेंट है पेडिसिल, और ये रिमेनिंग वाला जो सेगमेंट है यह है फ्लेजिलम। इस जो स्केप में ये मार्जिनल पॉइंट है ये वाला, यह है एंटीनिफर। ये जो पॉइंट है ये एंटीनिफर, इसके बाद ये है एंटीनल सॉकेट, ये है एंटीनल सूचर, बीच में जो ये जगह है इसको बोलते हैं एंटीनल स्क्लेराइट। यह एक सिंपल एंटीना का स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटीना के बारे में। कौन से इंसेक्ट में किस टाइप का एंटीना पाया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सिटेसियस टाइप का एंटीना, जो कि ब्रिसल लाइक होता है। इस टाइप के एंटीना में जो साइज है सेगमेंट्स की, वो बेस से अपेक्स तक डिक्रीज होती जाती है, यानी कि बेस पे मोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे मतलब साइज जो है डिक्रीज होती जाती है इसमें। इस टाइप का एंटीना कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, डेंसन फ्लाई और लीफ ऑपर में पाया जाता है। ये है सिटेसियस टाइप का एंटीना, जिसमें ये बेसल सेगमेंट जो है ये बड़ा है, ये धीरे धीरे सब यहाँ तक डिक्रीज होती जा रही है साइज। ये है सिटेसियस टाइप का, जो कि कॉकरोच में, ड्रैगन फ्लाई में, डेंसन फ्लाई में और लीफ ऑपर में पाया जाता है। इसके बाद है फिलीफॉर्म टाइप का एंटीना, जो कि थ्रेड लाइक रहता है। इस टाइप के एंटीना में जो सेगमेंट्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं और साइज इनकी सेम ही रहती है। जो सेगमेंट्स हैं इनमें इनकी साइज सेम रहती है। इस टाइप का जो एंटीना है वो ग्रास ऑपर में पाया जाता है। यह है फिलीफॉर्म एंटीना, जो कि थ्रेड लाइक रहता है। इसमें जो सेगमेंट्स हैं इनकी साइज सेम है और ये सिलेंड्रिकल है। इसके बाद है मोनिलिफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना, जो कि बीड लाइक होता है। इस टाइप के एंटीना में जो सेगमेंट्स हैं वो ग्लोबुलर रहते हैं, स्फेरिकल शेप में रहते हैं, और बीच में इनमें एक कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा लगते हैं जैसे कि बीड है, बीड जैसे दिखाई देते हैं ये मणियों जैसे, तो ये इसीलिए इसे मोनिलिफॉर्म एंटीना बोलते हैं, जो कि टर्माइट में पाया जाता है। इसके बाद है सिरेट टाइप एंटीना, जो कि शॉ लाइक होता है। इस टाइप के एंटीना में जो सेगमेंट्स है उनमें एक साइड पर एक ट्रेंगुलर प्रोजेक्शन होता है, जैसे शॉ लाइक दिखाई देता है। ये लॉन्गिकॉर्न बीटल में पाया जाता है ये टाइप का एंटीना। ये इस तरह से इसमें ये प्रोजेक्शन होता है ट्रेंगुलर, ये सेगमेंट्स में ट्रेंगुलर प्रोजेक्शन होता है एक ही साइड पर।
और ये मोनिलिफॉर्म जो एंटीना है इसमें इस तरह से मणियों के जैसे ही दिखाई देते हैं ये। इसके बाद पेक्टिनेट या कॉम्ब लाइक एंटीना होता है ये। इस टाइप के एंटीना में जो सेगमेंट्स रहते हैं उनमें एक लॉन्ग स्लेंडर प्रोसेस होती है एक ही साइट पर, ये इस तरह से जो सेगमेंट्स हैं उनमें ये इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस रहती है एक ही साइट पर रहती है, ये कॉम्ब जैसे दिखाई देता है। ये सॉफ्ट लाइन में पाया जाता है इस टाइप का पेक्टिनेट टाइप का एंटीना। इसके बाद है बाई पेक्टिनेट, इसमें डबल कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है इसमें जैसे दिखाई दे रहा है ये दोनों साइड पर, ये लॉन्ग प्रोसेस जो है ये दोनों साइड पर है, जैसे पेक्टिनेट में वन साइड पर थी इसमें दोनों साइड पर होती है। ये इस टाइप का जो एंटीना है ये सिल्क वर्म मोथ में पाया जाता है। इसके बाद है क्लेवेट टाइप एंटीना जो कि क्लब्ड लाइक रहता है। इसमें जो एंटीना की जो एंटीना है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, जो साइज है सेगमेंट की वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है थिकनेस में, और एंड में एक राउंड कोन बना लेता है। इस टाइप का जो एंटीना है वो ब्रिस्टल बीटल में पाया जाता है। ये है क्लेवेट टाइप एंटीना, इसमें जो सेगमेंट की साइज है ये धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, और जो लास्ट में है ये राउंड कोन जैसे स्ट्रक्चर इसने बना लिया है। ये इस टाइप का जो एंटीना है वो ब्रिस्टल बीटल में पाया जाता है। इसके बाद है कैपिटेट जो कि नॉब्ड लाइक होता है। इस टाइप के एंटीना में जो टर्मिनल सेगमेंट है वो सडनली इनलार्ज हो जाता है और एक नॉब जैसा एक केप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इस टाइप का जो एंटीना है वो बटरफ्लाई में पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैपिटेट टाइप के एंटीना का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो टर्मिनल जो सेगमेंट है ये इनलार्ज हो गया, सडनली इनलार्ज होता है इसमें। इसके बाद है लेमिलेट टाइप का एंटीना जो कि प्लेट लाइक होता है। इसमें जो एंटीनल टिप है वो एक्सटेंड हो जाती है एक ही साइड पर और एक फ्लैट प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। इस टाइप का जो एंटीना है वो लेमिलिकॉर्न बीटल में पाया जाता है। ये है लेमिलेट टाइप का एंटीना, जिसमें ये जो टिप है ये इस तरह से एक ही साइड पर एक्सटेंड हो गई है और ऐसा प्लेट जैसे स्ट्रक्चर इसने बना लिया है। इसके बाद है अरिस्टेट टाइप एंटीना, जिसमें ब्रिसल होती है। इस टाइप के जो एंटीना है इसमें जो सेगमेंट्स है वो थ्री सेगमेंट्स ही रहते हैं इसमें, लेकिन जो टर्मिनल सेगमेंट है उसमें एक ब्रिसल होती है जिसे अरिस्टा बोलते हैं। इस टाइप का एंटीना जो है वो हाउस फ्लाई में पाया जाता है। ये है अरिस्टेट टाइप का एंटीना, जिसमें थ्री सेगमेंट है और जो ये टर्मिनल सेगमेंट है इसमें एक ये ब्रिसल है जिसे अरिस्टा बोलते हैं। इसके बाद है स्टाइलेट टाइप एंटीना, इसमें इस टाइप के एंटीना में एक स्टाइल होती है। जो सेगमेंट है इसमें थ्री सेगमेंट ही रहते हैं एंटीना में, लेकिन जो टर्मिनल सेगमेंट है उसमें एक स्टाइल रहती है। इस टाइप का जो एंटीना है वो रोबर फ्लाई में पाया जाता है। ये है स्टाइलेट टाइप का एंटीना, इसमें ये जो है ये है स्टाइलस है, जो कि जो टर्मिनल सेगमेंट है थर्ड सेगमेंट उसमें पाई जाती है। इसके बाद है प्लूमोस टाइप एंटीना जो कि फीदरी लाइक होता है। इस टाइप के एंटीना में जो जंक्शन होता है फ्लेजुलोमियर, जो दो सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, उस जंक्शन पर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। एंटीना के दो सेगमेंट को जोड़ने का काम जो करता है वो जंक्शन को फ्लेजुलोमियर बोलते हैं, और उस फ्लेजुलोमियर जंक्शन पर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे ये हेयर्स जो है ये पाए जाते हैं इस जंक्शन पर, ये जो फ्लेजुलोमिया जंक्शन है यहाँ पर। इस टाइप का जो एंटीना है ये मेल मॉस्किटो में पाया जाता है। जो मेल मॉस्किटो है उसमें पेडिसिल पर जोहानसन ऑर्गन भी पाया जाता है, जो कि हियरिंग ऑर्गन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्लूमोस टाइप का एंटीना का, जो कि मेल मॉस्किटो में पाया जाता है और इसमें पेडिसिल पर जोहानसन ऑर्गन भी पाए जाते हैं। इसके बाद है पिलोज टाइप एंटीना जो कि हेयर लाइक होता है, हेयरी टाइप का होता है। इस टाइप के एंटीना में जो फ्लेजिलोमियर जंक्शन है उस पर हेयर्स कम हेयर्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्लूमोस
प्लूमोज में बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, फ्रेंड इसमें कम हेयर्स पाए जाते हैं। जो फ्लेजिलोमेयर जंक्शन है उस पर कम हेयर जो है वो पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं इसमें। ये जो है फीमेल क्यूलॉक्स, फीमेल जो मॉस्क्यूटो है उसमें पाया जाता है ये पिलोस टाइप का एंटीना। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देख सकते हैं कि ये हेयर्स तो है लेकिन इसमें कम है, और जो प्लूमोस टाइप का जो एंटीना है ये इसमें देख रहे हैं इसमें बहुत सारे हेयर्स दिख रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें पिलोज और प्लूमोस टाइप के एंटीना में। इसके बाद है जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना, ये एल्बो लाइक होता है। इसमें जो स्केप होती है वो लॉन्ग होती है, और जो अदर सेगमेंट है इसके एंटीना के वो स्मॉल होते हैं और एक एंगल में अरेंज होते हैं, इस तरह से दिखाई देता है जैसे एल्बो लाइक होता है, एल्बो जैसा होता है ना उस तरह से ही दिखाई देता है। ये हनी बी और वास्प में पाया जाता है इस टाइप का एंटीना। जैसे कि ये स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हैं, ये जो स्केप है ये लॉन्ग है और ये बाकी के जो सेगमेंट है ये शॉर्ट है, और ये एक एंगल में अरेंज है, इसे एल्बो लाइक दिखाई दे रहा है ये। तो ये जो एंटीना है ये हनी बी और वास्प में पाया जाता है। इसके बाद है फ्लेबुलेट टाइप एंटीना, जो कि फैन लाइक होता है। ये जो एंटीना है ये स्मॉल होता है, इसमें जो थर्ड सेगमेंट है वो साइड प्रोसेस होती है इसमें, इस तरह से कि एक फैन जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो थर्ड सेगमेंट है उसमें इस तरह की प्रोसेस होती है कि ये फैन लाइक दिखाई देता है। ये एंटीना जो है वो स्टेपसिड टेरेंस और स्टाइलोपीड और सिडायबिटस जो है उसमें पाया जाता है। ये जो देख रहे हैं इस तरह से ये एंटीना होता है, इस तरह दिखाई देता है जैसे फैन जैसा, फैन लाइक दिखाई देता है, इसे फ्लेबुलेट एंटीना बोलते हैं। इसके बाद है होल्ड एंटीना। इस टाइप का एंटीना जो है वो सिटेसियस फिलीफॉर्म और मोनिलिफॉर्म लाइक ही होता है। इसमें जो हेयर्स है वो सेगमेंट के आसपास बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। इस टाइप का एंटीना मिलीबग जो है, मेल मिलीबग, मैंगो की जो मेल मिलीबग है उसमें पाया जाता है। ये जो एंटीना है ये है होल्ड लाइक एंटीना, जिसमें जो सेगमेंट्स है उन पर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। ये मैंगो जो मेल मिलीबग है मैंगो की उसमें पाया जाता है। आई होप गाइस आपको जो टाइप्स ऑफ एंटीना है उसके बारे में समझ आया होगा। आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।